हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम फोर सीसी कमर्शियल कम्युनिकेशन की पेपर स्टाइल समझेंगे। अगर जब पेपर स्टाइल समझोगे ना तो आप प्लानिंग से पढ़ोगे, लिमिटेड पढ़ोगे और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो देखो पेपर स्टाइल क्या है और किस तरह आएंगे वो मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो पेपर स्टाइल में, पेपर में जो है दो सेक्शन आएंगे, ठीक है ना। सेक्शन वन में चार क्वेश्चन होंगे और चार में से अटेम्प्ट एनी टू करने हैं। अभी जो क्वेश्चन वन जो होगा ना वो यूनिट वन में से होगा। अभी यूनिट वन में क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट आएंगे, ठीक है। उसमें आपको मतलब प्रोस और पोएट्री हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट आएंगे, वो 20 मार्क के होंगे, ठीक है। और यूनिट टू में से लेटर आएंगे, लेटर फ्रॉम यूनिट टू, और दो लेटर होंगे, दो में से कोई भी एक लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो वो भी एक लेटर 20 मार्क का होगा। तो आप अच्छे से लेटर आप देख लो, तो कोई भी लेटर मतलब फॉर्मेट समझ जाओगे फिर तो आप अपना बना के लिख सकते हो, तो 20 मार्क इजीली ला सकते हो। इसी तरह ही एक दूसरा लेटर आएगा यूनिट थ्री में से, वो एजेंसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन टू में जो लेटर होंगे ना वो हो सकता है यूनिवर्सिटी को हो, बैंक को हो, ऐसे ऐसे लेटर आएंगे। और ये जो यूनिट थ्री में जो लेटर होंगे वो एजेंसी के लेटर होंगे, ठीक है। तो उसमें भी दो लेटर होंगे, दो में से एक ही लिखना होगा। अगर जो वो भी आपको अच्छे से फॉर्मेट पता होगा, अपना बना सकते हो, तो 20 मार्क ला सकते हो। तो आप देख सकते हो सिर्फ दो लेटर, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री, सिर्फ दो लेटर भी लिखोगे तो 40 मार्क आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो आप क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट नोट करना चाहते हो, आपको स्टोरी पता हो तो थोड़ा बहुत स्टोरी पता हो तो बना के लिख के आओ, तो 20 मार्क ईजीली ला सकते हो। इसके बाद अगर जो क्वेश्चन फोर देखोगे वॉकेबलरी यूनिट फोर में से, उसमें क्या आता है, मैचिंग आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, इस टाइप के आते हैं, मैचिंग ट्रू फॉल्स। इसके अलावा एमसीक्यूज भी होते हैं, भाई मैं भी पॉसिबल आ जाए पर एमसीक्यूज सेक्शन टू में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वॉकेबलरी में आप देखो भाई, वॉकेबलरी एक बार देख लोगे, मैचिंग ईजी होता है, 10 मार्क का मैचिंग आ जाएगा, ट्रू फॉल्स होंगे 10 मार्क के, मतलब 20 मार्क के ऐसे आ जाएंगे। तो कोई भी दो यूनिट आप अच्छे से पढ़ लो तो ईजीली 40 मार्क कवर कर सकते हो। अभी सेक्शन टू में क्या आएगा, सेक्शन टू में एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, और एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, वो यूनिट वन में से आएंगे। तो यूनिट वन में आप देखोगे हर एक लेसन में आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, हर एक लेसन में 10 या 20 एमसीक्यूज हैं, तो वो आप एक बार रीड कर लेना। रीड कर लोगे 10 में से 10 मार्क ला सकते हो, बहुत ईजी हैं। तो यूनिट वन के एमसीक्यूज जरूर पढ़ना, वो सेक्शन टू में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। इस तरह तो ये पेपर स्टाइल देखोगे तो आप सिंपली थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।